यूपी बोर्ड के मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ में जो सप्लीमेंट्री है उसका नौवां लेसन पढ़ेंगे। नौवें लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहां से हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है भोली। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए लिखा है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, प्रिया, गीता, सुलेखा या सीता। बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें है नहीं यदि आपने लेसन पढ़ा है तो। यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत कठिन है, आप कभी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए भोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था। यदि लेसन पढ़ा है तो बहुत ही नहीं तो बहुत कठिन है यदि आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो, या फिर आपको पढ़ाया नहीं गया है तो। ठीक है, सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा है हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितनी पुत्रियां थी, 1, 2, 3 या फिर 4। तो रामलाल की मेरे प्यारे बच्चों कितनी पुत्रियां थी, 4। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद में एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, किस एज में भोली ने बोलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आपका होगा डी ऑप्शन, 5। 5 साल, जब 5 ईयर्स की हुई थी, 5 साल की, तब उसने बोलना शुरू कर दिया था। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। फिर होगा हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की इल्डेस्ट डॉटर कौन थी, सबसे बड़ी पुत्री कौन थी। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, राधा। ठीक है, सी में है ये, देखिए राधा, ये सी ऑप्शन सही होगी आपका, राधा। हु वाज लक्ष्मी, इसमें देखिए भोलीज काव थी या भोलीज टीचर थी या भोलीज क्लासमेट थी या भोलीज मदर थी। तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आप फर्स्ट वाला सही करेंगे, ए वाला, भोलीज काव, भोली की जो काव थी उसका नाम लक्ष्मी था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हु केम टू मैरी भोली, हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया था। प्रेमनाथ आए थे, दीनानाथ आए थे, हरिनाथ आए थे या विशंभरनाथ आए थे। इसका डी ऑप्शन सही है, विशंभरनाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, भोली लेसन के ऑथर कौन है, के ए अब्बास और गाई डी मोपासंट या फिर सिंक्लेयर लुइस या क्लियर बोइका। तो यहां पर के ए अब्बास सही हो गया, ए ऑप्शन। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, क्वेश्चन नंबर 8, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, कौन सी पिक्चर भोली ने वॉल पर, दीवार पर देखी थी जब वो स्कूल गई थी। काव, पैरट, गोट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से काव भी देखी थी, पैरट भी देखी थी, गोट भी देखी थी, तो सही ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, रामलाल की गांव में कौन सी पोस्ट थी। तो मेरे प्यारे बच्चों तहसीलदार की थी, सरपंच की थी, हेडमास्टर की थी या नंबरदार की थी। तो ऑप्शन डी से ये नंबरदार की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स, तो तहसीलदार ने रामलाल से क्या अर्ज की थी, क्या रिक्वेस्ट की थी डॉटर के संबंध में। सेंड देम टू स्कूल, उसको स्कूल भेजें, मैरी देम सून, जल्दी शादी कर दें, सेंड देम टू द सिटी, उन्हें उसे सिटी में भेज दें या फिर ऑल ऑफ द एबव या फिर इनमें से सभी। तो है सेंड देम टू स्कूल, 10वें का ए सही हो गया। इसके बाद में हम ट्रू फॉल्स भी पढ़ लेंगे, शोर मत करो। इसके बाद में ट्रू फॉल्स भी पढ़ लेंगे। फर्स्ट है भोली इज रियल नेम बाज सुलेखा, भोली का रियल नेम सुलेखा था, ट्रू है। रामलाल बाज सरपंच ऑफ द विलेज, फॉल्स है, सरपंच नहीं थे, वो नंबरदार थे। राधा बाज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, इल्डेस्ट डॉटर थी राधा, ट्रू है। रामलाल हैड 4 डॉटर्स, ट्रू है। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, ट्रू है। भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल,
स्कूल जाने के लिए भोली एक्साइटेड थी? नहीं। लेशन में आपने पढ़ा होगा कि भोली को जब भोली के पिताजी स्कूल ले जा रहे थे बेचारी डरी हुई थी, उसने हाथ छुटा लिया था अपना। तो भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, नहीं फॉल्स है। लक्ष्मी वाज भोली का ट्रू है। हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी, नहीं फॉल्स है। टीचर तो बहुत ही काइंडफुल थी, इसमें एंग्री लिखा है तो ये फॉल्स है। दिसंबर गे प्रपोजल टू मैरी भोली, दिसंबर गे प्रपोजल टू मैरी भोली ट्रू है। सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट, ये भी ट्रू है। लास्ट में सुलेखा ने मैरिज के लिए मना कर दिया था, तो ये भी ट्रू है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके काम का ये वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।